हेलो फ्रेंड्स, निटिंग ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से नए डिजाइन का डोरमेट बनाना सिखाऊंगी। तो देखिए, इसके लिए मैंने ये दो चुन्नियाँ आपने लिए हैं, दो कलर लिए हैं। आपके पास जो भी चुन्नी हो, साड़ी हो, कोई भी आपके पास चीज़ अवेलेबल हो, आप उसी से उसकी आप ऐसे पतली पतली पट्टियाँ, देखिए ऐसी पतली पतली पट्टियाँ आप बना के और उससे आप ये प्यारा सा डोरमेट बना सकते हो। ये देखिए, इतनी मैंने इसमें पट्टियाँ बनाई हैं। और देखिए, इसके लिए मैंने 8 नंबर की मेरे पास नीडल हैं। ये देखिए, 8 नंबर की नीडल मैंने इसमें यूज की हैं। अगर आपके पास मोटी नीडल हैं तो आप उसमें 6 या 7 नंबर के नीडल आप यूज करोगे तो उससे और भी जल्दी जल्दी बन के कम्प्लीट होगा। तो देखिए, इस डिज़ाइन को समझने के लिए प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो देखिए, मैंने इस डोरमेट को कैसे बनाया है। इसमें देखिए, मैंने सिंगल एक फंदा, मैंने इसमें फंदा भी नहीं, मैंने इसमें नोट लगाई है एक सिंपल। इसको देखिए हम अब कैसे बनाएंगे। ऐसे आप इसमें एक नोट लगा लीजिए और हम स्टार्टिंग से ही अपना फंदा बढ़ाना शुरू करेंगे। तो कैसे बढ़ाएंगे, देखिए ऐसे हमने ऐसे लपेटना है और हमारा एक फंदा बढ़ जाएगा और आपको ऐसे बना लेना है। ये हमारे हो गए दो। अब हम एक फंदा हम इधर से भी ऐसे ही बढ़ाएंगे। ये ध्यान रखिए, आप दोनों तरफ से आपने इक्वल फंदे बढ़ाने हैं। ये हो गए हमारे 3। इस पट्टी को भी देखिए, हम इसी के अंदर ऐसे ले लेंगे। इस साइड से भी बढ़ाने का ये सबसे आसान तरीका है फंदा बढ़ाने का। बस आप ऐसे ही नीडल पर लपेटोगे और आपका फंदा बढ़ जाएगा। ये देखिए, जितना भी आपको बड़ा बनाना हो आप उतना ही बड़ा इसको बना लीजिए। दोनों तरफ से एक एक फंदा आप बढ़ाते जाइए। अब देखिए, ये मेरी 2 लाइन हो गई। अब मैं यहाँ पे अपना, ये रॉन्ग साइड है, मैं यहाँ पे अब अपना सेकंड कलर इसमें लगाऊंगी। तो सेकंड कलर में भी मैं देखिए ऐसे ही मैं ऐसे फंदा बढ़ा के और फिर मैं इसमें इसमें ज्वाइंट करूंगी। हर बार हमने अपना फंदा दोनों तरफ से बढ़ाना है। और इस देखिए, इस पट्टी को भी मैं इसमें ऐसे ही लपेट लूंगी। इसमें फ्रेंड्स हमें नोट लगाने की जरूरत नहीं, आपकी जितनी भी पट्टियां हो चाहे छोटी हो तो आप उनको ऐसे ही इसमें लपेट लीजिए। वो अपने आप इसमें अंदर सेट हो जाएंगी। ये देखिए, उस साइड से बढ़ाया था तो मैं इस साइड से भी फंदा ऐसे ही लपेट के बढ़ा लूंगी। ये फ्रेंड्स, मैं एक कलर की मैं 4-4 रो बनाऊंगी। सा मैं आपको बना के दिखा दूं। ये देखिए, ये रॉन्ग साइड है। फिर से हम अपना लपेटेंगे, फंदा हम ऐसे बढ़ा लेंगे। ये देखिए, ये हमारी एक लाइन बन गई। हमने एक बार और ऐसी ही लाइन डालनी है। ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं फ्रेंड्स, इनको हम लास्ट में जब हम फिनिशिंग करेंगे इसकी तो हम सारे ही सीजर से काट देंगे।
ये देखिए ये हमारी दो लाइन ये हो गई, दो ये हो गई। अब फिर से हम अपना यही वाला कलर लगाएंगे। आप इसको सिंगल कलर में भी बना सकते हो और मल्टी कलर में भी आप इसको बना सकते हो। सॉरी मैंने यहाँ पे फंदा नहीं बढ़ाया, ये देखिए ऐसे हम फंदा बढ़ा लेंगे। तो दो दो लाइन में इसकी दोनों कलर की बनाऊंगी। ये मैंने आपको दोनों कलर लगा के दिखा दिए, आप भी ऐसे ही बना लीजिए। ये देखिए एक रो में ये उतार के फिर आपको इसको सीधा करके दिखाऊंगी, ऐसे लपेटा। ध्यान रहे दोनों तरफ से आपको फंदा बढ़ाना है। उस बार बढ़ाया था तो इस बार भी हम ऐसे ही बढ़ा देंगे, फिर हमारा इक्वल हो जाएगा। ये देखिए ये मैंने सी, आप अगर आपकी मर्जी है, अगर आप चाहो तो ये बीच में दो ही रो आप बना लीजिए, उल्टी तरफ से आप कलर लगाइए और सीधी तरफ से। लेकिन मैंने इसमें ये देखिए नीचे भी मैंने ये चार रो बनाई हैं और चार ये बनाई हैं, और इसकी भी मैं एक ऐसे बनाऊंगी और एक और बनाऊंगी, फिर मैं अपना सेकंड कलर लगाऊंगी। तो फ्रेंड्स देखिए इसकी कुछ इस तरह से शेप इसके ऊपर तक बनती जाएगी। जितना भी आपको बड़ा बनाना है आप उतने ही फंदे यहाँ पे बीच में बढ़ा लीजिए। तो फ्रेंड्स मैं इसको बना लेती हूँ, मैं दिखाऊंगी मैंने कितना बनाया है, आप भी बना लीजिए। मैं दिखाती हूँ मैंने इसको कितना बनाया है। ये देखिए मैंने इसको इतना बनाया है, ये मेरी शेप ऐसी आई है। अब हम क्या करेंगे, देखिए जितना भी आपको बड़ा बनाना हो आप बना लीजिए। फिर हम क्या करेंगे, जैसे हमने फंदे बढ़ाए हैं ऐसे ही हम इसमें फंदे ऐसे घटा देंगे। लेकिन ये मेरा कलर पूरा हो गया, अब मैं ये कलर लगाऊंगी। इस कलर से मैं फंदे दोनों तरफ से जैसे हमने बढ़ाए हैं ऐसे ही फंदे मैं इसमें घटाऊंगी। ये फ्रेंड्स मेरे यहाँ पे ऊपर 25 फंदे हैं, 25 फंदे मैंने इसमें ऊपर बनाए हैं। इस साइड में हम सीधी तरफ से फंदा घटाएंगे, जैसे हमने बढ़ाया था ऐसे ही हम इसमें घटाएंगे। देखिए तो दोनों तरफ से हमने ऐसे ही एक एक फंदा हर रो में घटाना है। तो फ्रेंड्स मैं इसको बना लेती हूँ, फिर मैं दिखाऊंगी इसके बाहर से हमें कैसे डेकोरेट करना है। बाहर से हम दोनों तरह से इसकी कलियां बनाएंगे, वो मैं आपको बताऊंगी इसको पूरा करने के बाद। देखिए इसकी ये शेप यहां से दोनों तरफ से ये यहां से बनने लग गई। ये देखिए ऐसे ही हम इसको फ्रेंड्स ऊपर तक घटा लेंगे तो हमारा लास्ट में एक ही फंदा बच जाएगा। एक फंदे को फिर हम उसमें नोट लगा के उसको बंद कर देंगे। तो मैं इसको पूरा कर लेती हूँ, आप भी कर लीजिए, फिर आगे बताऊंगी ऊपर हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए जो आपने शुरुआत की होगी आपने एंड भी उसी कलर से करना है। ये देखिए अगर आप दोनों साइड इक्वल फंदे बढ़ाओगे तो आपका एंड भी उसी कलर का होगा, और अगर आपने फंदे एक साइड से ज़्यादा कर लिए एक साइड से कम तो शेप भी आपकी ठीक नहीं बनेगी और एंड भी आपका सही से नहीं होगा। अब ये देखिए जिस कलर से आप शुरुआत करो एंड भी उसी कलर से करना, ये इसकी
शेप आई है। देखिए आपको जितना बड़ा बनाना हो आप यहाँ पे साइड में फंदे आप बढ़ाते जाइए और फिर आप ऐसे ही घटाते जाइए। तो देखिए इसको मैं अब एक फंदे को मैं ऐसे पक्का कर दूंगी, बाद में हम इसको काट देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए अब मैं इसके बाहर की बताऊंगी, इसके बाहर की हमें कलियां कैसे बनानी है। ये देखिए इसके यहाँ चारों तरफ हम लगाएंगे। उसके लिए देखिए फ्रेंड्स मैंने ब्लैक कलर से 8 फंदे लिए हैं। जितने भी आप यहाँ पे आप ये मेजरमेंट देखो, जितने भी आपने बीच में यहाँ पे फंदे बढ़ाए हैं उससे आप 8 या 10 फंदे इसमें जो इसकी कलियां बनाओगे उसमें आप कम ही रखना। ये क्योंकि फैली फैली बनती हैं और बाहर की साइड में निकल जाएंगी कॉर्नर से, तो फिर ये अच्छी नहीं लगेंगी। तो देखिए इनको हमें कैसे बनाना है, बहुत ही इजी तरीका मैं आपको बताऊंगी। 8 फंदे बनाने के बाद आप बिल्कुल एक रो सिंपल सिंपल उतार लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए दो दो फंदे हम इसमें छोड़ देंगे, एंड में उनको नहीं बनाएंगे और हम यहीं से वापस। ये कली मैं आपको पूरी बना के दिखाऊंगी। दो फंदे हमने जब छोड़ दिए थे, दो हम इस बार छोड़ देंगे। ये देखिए और यहीं से वापस छोटी छोटी कलियां बनेंगी और ये बहुत जल्दी जल्दी बनके कंप्लीट होंगे। ये देखिए इसकी शेप बनने लग गई। अब हमने पहले दो छोड़े, फिर दो, फिर ये दो और छोड़ देंगे और लास्ट के दो ही हम बनाएंगे। देखिए और ये रो मैं पूरी इस कलर से बना दूंगी क्योंकि हमने सारे फंदे छोड़ दिए। ये हमारी राइट साइड है, रॉन्ग साइड से मैं इसमें सेकंड कलर लगाऊंगी। तो देखिए कैसे लगाऊंगी, देखिए इतनी पत्ती हमारी बनके कंप्लीट हो गई। अब मैं इसमें देखिए सेकंड कलर अपना यहां से लगाऊंगी, जो मैंने अंदर लिया है वो ये कलर मैं लगाऊंगी। देखिए इसको भी मैं इसी में ऐसे लपेट के ऐसे ले लूंगी। जब भी आपको फ्रेंड्स कलर लगाना हो आप रॉन्ग साइड से कलर अपना लगाना। ये भी थोड़ी सी आपको दिखा दूं, फिर मैं इसको कंप्लीट करके आपको दिखाऊंगी। अब भी फिर हमने दो दो फंदे इसके छोड़ने हैं। ये देखिए दो फंदे छोड़ दिए, हम यहीं से वापस मुड़ जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स जैसे हमने ब्लैक बनाई है ऐसे ही आप अब की बार ये दो छोड़ देना, फिर ये दो, फिर ये दो, तो ऐसे ही हमारी ये कली बन के कम्प्लीट हो जाएगी। उसके बाद फिर आपका जो भी कलर हो आप वो कलर लगा लेना। तो ऐसे पत्तियां देखिए ये कुछ इस तरह से बनेगी। ये देखिए ये मैंने ब्लैक से स्टार्ट की थी, सेकेंड कलर लगाया था, उसके बाद देखिए मैंने 1, 2, 3, 4 पत्तियां मैंने ब्लैक की बनाई हैं और 3 मैंने डार्क पिंक की बनाई हैं। तो एंड में हम इसको कैसे करेंगे, देखिए फ्रेंड जो आपकी पत्ती यहाँ पे स्टार्ट करो तो आप एंड भी उसी तरह से करना। आप ऐसे नाप लीजिए, आपका जो भी कोई प्रोजेक्ट हो आप ऐसे नाप लीजिए, अगर ये आपको छोटा लगे तो आप पत्तियां बड़ी और बना लीजिए।
तो देखिए अब मैं इसको क्या करूंगी, अब मैं इन फंदों को बंद कर दूंगी। दो का एक करूंगी, फिर वापस इसी में डाल लूंगी। देखिए इसको भी मैं, ये मेरा छोटा रह गया कलर, इसमें मैं जोड़ के इसका भी मैं दो का एक कर दूंगी, तो ये हमारी ऐसे बंदे हो जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हम अपनी पत्तियां ऐसे इस पे, अब ये मैंने और बना के रखी हुई हैं, ऐसे हम इस पे ये सेट ऐसे कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको ऐसे सिलाई करनी है, ये ऐसे रख के ये वाला जो हिस्सा है यहाँ से ऐसे लेके यहाँ पे सिलना है, और ये बिल्कुल कॉर्नर ऐसे मिलाने हैं, और ये यहाँ पे ऐसे सिलना है। देखिए मैं सिल लूँगी तो फ्रेंड्स बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। फिर आप इसको ऐसे ऐसे दोनों तरफ से सीधा हमारा अंदर की तरफ जाएगा, फिर आप ऐसे सीधा करोगे तो कुछ ऐसे शेप आएगी इसकी। तो फ्रेंड्स आप ये सारी आराम से ऐसे कॉर्नर मिला के इसको ऐसे सील दीजिए, तो ये बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा डोरमेट बनके कंप्लीट होगा। और आप एक बार इसको जरूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करके बताना फ्रेंड्स आपको ये कैसा लगा। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो फ्रेंड्स लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में नए डिजाइन के साथ। थैंक यू।